हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद चैप्टर फोर इलास्टिक स्ट्रिंग्स बिफोर लर्निंग वट आर इलास्टिक स्ट्रिंग्स फर्स्ट वी विल लर्न वट इज़ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी इज़ एन एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू री गन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज वैन अप्लाइड फोर्सिस आर रिमूव्ड सपोज़ आपने किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी मीन्स बॉडी की शेप और साइज़ में कुछ चेंज आएगा बट जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज़ में वापस आ जाए उस केस में हम उन बॉडीज़ या उन मटेरियल्स को कहेंगे इलास्टिक बॉडीज़ और इलास्टिक मटेरियल्स हर एक इस तरह के मटेरियल्स नहीं होंगे कि आपने जिस पे फ़ोर्स अप्लाई किया और वो वापस अपनी शेप में आ जाए सपोज़ आपने किसी प्लास्टिक पे फोर्स अप्लाई किया तो वापस अपनी शेप में नहीं आएगा उसमें क्या हो जाएगा कुछ की शेप या साइज़ में कुछ चेंज आ जाएगा अगर आप किसी प्लास्टिक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं बट कुछ मटेरियल्स इस तरह के हैं जिन पे आप फोर्स लगाओ और फोर्स को जैसे ही रिमूव करो तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाए ओरिजिनल साइज रिटेन कर ले उस तरह के मटेरियल्स को हम इलास्टिक मटीरियल्स कहेंगे फॉर एग्जाम्पल रबड़ बैंड आपने एक रबड़ बैंड ले लिया रबड़ बैंड को स्ट्रेच करो स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है पर जैसे ही आप स्ट्रेचिंग करना छोड़ दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी ओरिजिनल साइज में आ जाएगी सो दैट इज़ इलास्टिक मटेरियल अब यहाँ पर हम इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे इलास्टिक स्ट्रिंग मीन्स आपने कुछ इलास्टिक रोप ले ली या फिर इलास्टिक केबल ले ली आपने क्या किया उसको स्ट्रेच किया मीन्स अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो उसकी लेंथ में कुछ एक्सटेंशन अगर हो रहा है और आपने जैसे ही स्ट्रेच करना बंद कर दिया तो वापस अगर अपनी पोजीशन में आ रहा है तो उनको हम कह देंगे इलास्टिक स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग में इस तरह की प्रॉपर्टी है तो हम को स्ट्रिंग को कह देंगे इलास्टिक स्ट्रिंग सो हमने यहाँ पर एक इलास्टिक स्ट्रिंग ली से ओ ए ये इलास्टिक स्ट्रिंग ले ली इलास्टिक वायर ले ली या इलास्टिक रोप या केबल या तार इस तरह की इलास्टिक मटेरियल ले लिया आपने इसका एक एंड फिक्स कर दिया और दूसरे एंड से इसको स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया सपोज़ आपने यहाँ तक इसको स्ट्रेच किया आपने सपोज कर लिया इलास्टिक रबड़ बैंड ले लिया रबड़ बैंड का एक एंड आपने फ़िक्स कर दिया और दूसरे एंड से उसको स्ट्रेच किया बी पॉइंट तक स्ट्रेच किया जो उस इलास्टिक स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ थी ओरिजिनल लेंथ थी उसको हमने सपोज एल से डिनोट किया एल क्या थी उसकी ओरिजिनल लेंथ मीन स्ट्रेच करने से पहले जो लेंथ थी और एक्स क्या है उसमें जो एक्सटेंशन हुई है एक्स उसमें जब हमने स्ट्रेच किया ए एंड को ओ एंड को फिक्स रखा जो उसमें एक्सटेंशन हुई वो हमने कितनी ले ली एक्स तो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी एल प्लस एक्स जो टोटल लेंथ हो गई आफ्टर स्ट्रेचिंग वो हमारी एल प्लस एक्स हो जाएगी अब आप स्ट्रेच कर रहे हो किसी वायर को तो कुछ फोर्स लगा रहे हो आप इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहे हो उसको इधर स्ट्रेच कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है तो एक अपोजिंग फोर्स भी एक्ट करेगा स्ट्रिंग में उसको हम क्या कह देते हैं टेंशन स्ट्रिंग के केस में या फिर वायर के केस में या रोप के केस में जो फोर्स होता है उसी को हम टेंशन कह देते हैं टेंशन जनरली क्या रहता है अपोजिंग फोर्स होता है आपने सपोज इधर स्ट्रेच किया है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स एक्ट करेगा उसको हम कह देंगे टेंशन फोर्स अब यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है सो so, इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा दिस इज़ एल दिस इज़ एक्स तो जो हमारा एक्सटेंशन होगा एक्स एक्सटेंशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के ओरिजिनल लेंथ के टेंशन के कितनी टेंशन एक्ट कर रही है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। आपने एक ओए मटेरियल लिया ओए इलास्टिक स्ट्रिंग ली उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन उसके एरिए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन और टेंशन जो एक्ट कर रही है उसमें उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्स्टेंट हटा साइन हटा देंगे तो एक कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा दिस इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम लेमडा से डिनोट कर रहे हैं वी कैन राइट टी इक्वल्स टू लैमडा ए एक्स ओवर एल टी को इस तरह से लिख सकते हैं अब यहाँ पर लेमडा क्या बताता है सपोज आपके पास डिफरेंट काइंडस के इलास्टिक मटीरियल हैं आपने उनमें सब में सेम तरह की फोर्स अप्लाई की तो सब में जो स्ट्रेचिंग या एक्सटेंशन होगी वो डिफरेंट होगी वो डिपेंड करेगा मटीरियल पे सो so, लेमडा हमें क्या बताता है कि मटीरियल कितना इलास्टिक है कितनी उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है सो लेमडा डिटरमाइंस द इलास्टिसिटी ऑफ मटीरियल दिस इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर हम कह देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन हो जाए आपने जो इलास्टिक स्ट्रिंग ली उसका कुछ एरिया है अगर एरिया वन यूनिट हो जाए उसकी इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी लैम्डा एक्स ओवर एल सो वी कैन डिफाइन टेंशन एज़ दिस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ आपने नैचुरल लेंथ के बियोन्ड किसी स्ट्रिंग को एक्सटेंड किया है तो वो जो टेंशन है वो प्रोपोर्शनल होगी एक्सटेंशन के इसको हम कहते हैं हुक्लो इसको हम बहुत जगह यूज़ करेंगे यहाँ पे जब भी आपने किसी पॉइंट पे टेंशन निकालनी हो सपोज़ सपोज़ ये आपके पास ए है ये आपके पास बी है ये नेचुरल लेंथ ए है सपोज़ आपने इसको एक्सटेंड किया सी तक अब ये जो लेंथ अगर आपकी है सी हो जाए सपोज़ ये आपने एक्स तक एक्सटेंड किया तो जो हमारी टेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी लैमडा एक्स ओवर ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ क्या है ए मीन्स लैमडा आपको एक्सटेंशन पता हो कितनी एक्सटेंशन हुई है और ओरिजिनल लेंथ बताओ तो आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर यहाँ पर एक्स एल के ही इक्वल हो जाए मींस एक्सटेंशन अगर लेंथ के इक्वल हो एल उसकी लेंथ थी आपने जो एक्सटेंशन की वो भी अगर एल होगी अगर फोर्स अप्लाई किया स्ट्रेचिंग की तो एक्सटेंशन भी अगर एल हो गई उसके इसमें टी कितना आ जाएगा लेमडा के इक्वल सो मॉडुलर्स ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ गई लैमडा किसके इक्वल आ गया फोर्स के मीन्स टेंशन के और टेंशन के इक्वल कब आएगा जब आपने उतनी ही एक्सटेंशन की जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स विच विल स्ट्रेच द स्ट्रिंग टू ट्वाइस ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ अब नेचुरल लेंथ के ट्वाइस हो गई पहले लेंथ एल थी अब स्ट्रेच किया स्ट्रेच करने के बाद एक्सटेंशन भी कितनी ले ली आपने एल ले ली तो अब उसकी लेंथ कितनी होगी ट्वाइस हो गई उस केस में हमारा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल हो जाएगा टेंशन की सो so, एक थ्योरम है वो करेंगे हम प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन हमें क्या दिखाना है वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग हम किसी लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं हमने एक स्ट्रिंग ले ली ओ ही इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं अब स्ट्रेच कर रहे हैं तो कुछ फोर्स अप्लाई किया हमने यहाँ से सपोज ये हमने इसको यहाँ बी पॉइंट तक स्ट्रेच किया तो जो वर्क डन हुआ वो किसके अगेंस्ट हुआ अगेंस्ट द टेंशन आपने फ़ोर्स लगाया इस डायरेक्शन में टेंशन किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में सो वर्क डन हुआ कुछ काम किया आपने फोर्स लगाया तो वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ टेंशन के अगेंस्ट टेंशन क्योंकि इस डायरेक्शन में है और आप जो स्ट्रेच कर रहे हो वो इस डायरेक्शन में है सो वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन हमें यहाँ पर क्या दिखाना है एक हमने इलास्टिक स्ट्रिंग ले ली ओ ए जिसकी ओरिजिनल लेंथ हमने ले ली नेचुरल लेंथ ले ली ए अब आपने इस ए पॉइंट को स्ट्रेच किया सपोज आप इसको बी तक लेके आए यहाँ बी तक बी तक लेके आए और ओ बी आपने ले लिया अब बी अभी आपने एक बार इसको एक्सटेंड किया मीन्स यहाँ पर कुछ टेंशन एक्ट करेगी उसको हम कह रहे हैं इनिशियल टेंशन ओ ए आपके पास स्ट्रिंग थी इस स्ट्रिंग का एक एंड ए आपने स्ट्रेच किया इसको आप बी तक लेके गए अब यहाँ पर जब आप इसको बी तक लेके गए हैं तो उसमें टेंशन एक्ट कर रही है उस टेंशन को हम कह रहे हैं इनिशियल टेंशन इनिशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम इसमें फर्दर स्ट्रेचिंग करेंगे और टेंशन भी एक्ट करेगी अभी तो आप बी तक लेके गए फिर अब आपने इसको वाप आगे और एक्सटेंड किया कहाँ तक लेके गए सी तक लेके गए और ओ सी आपने कितना ले लिया ये सी ओ ए है आपके पास नेचुरल लेंथ इस ए को आप पहले बी तक स्ट्रेच किया तो ओ बी है बी फिर आपने इस बी को यहाँ कहाँ तक लेके गए सी तक लेके गए ओ सी है सी तो जब हम बी से सी तक लेके गए तो वहाँ से वहाँ तक हमने डन निकालना है कि बी से सी तक जाने में जो वर्क डन हुआ वो हमने निकालना है और वो हमने किसके इक्वल दिखाना है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन हमें क्या दिखाना है वो जो वर्क डन हुआ बी से सी तक आपको ने जो स्ट्रेच करी जितना वर्क डन हुआ आपने उसको दिखाना है एक्सटेंशन बी से सी तक जाने में कितनी एक्सटेंशन हुई बी सी लेंथ की इन टू मीन ऑफ इनिशियल टेंशन इनिशियल टेंशन मीन्स टेंशन एट बी और फाइनल टेंशन मीन्स टेंशन एट सी आपके पास एक स्ट्रिंग थी ओ ए जिसकी लेंथ आपको ए गिवन थी आपने उसके एक एंड को ए को बी पॉइंट तक स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और ओ बी हमें कितना गिवन है बी अब फर्दर आपने इस बी पॉइंट को सी पॉइंट तक स्ट्रेच किया और ओ सी कितना गिवन है हमें सी गिवन है स्मॉल सी अब आपने क्या निकालना है बी से सी तक जाने में कितना वर्क डन हुआ और वो किसके इक्वल दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एक्सटेंशन मीन्स बी सी बी से सी तक जाने में कितनी लेंथ एक्सटेंड हुई बी सी इन टू क्या दिखाना है मीन ऑफ इनिशियल टेंशन एंड फाइनल टेंशन इनिशियल टेंशन मीन्स टेंशन एट बी और फाइनल टेंशन मीन्स टेंशन एट सी ये दिखाना है प्रूव करते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा अब हम अगर बी पॉइंट पर टेंशन लिखिए टेंशन क्या होती है हमारी टेंशन इक्वल्स टू लैमडा एक्स बाय एल दिस इज़ हुक्स ला हम वहाँ से लिखेंगे एक्स क्या होता था एक्सटेंशन एल क्या होता था ओरिजिनल लेंथ अब आप लिख रहे हो बी पॉइंट पे टेंशन ये बी पॉइंट है आपका अब ये डिस्टेंस की बात करें ए बी कितना हो जाएगा बी माइनस ए क्योंकि ये बी है ये ए है तो ए बी कितना हो जाएगा बी माइनस ए तो आपने जब भी टेंशन फाइंड आउट करनी है आपको क्या पता हो ओरिजिनल लेंथ पता हो ओरिजिनल लेंथ है ए आपको क्या पता हो एक्सटेंशन पता हो बी तक जाने में कितनी एक्सटेंशन हुई कितनी इसकी लेंथ बढ़ी वो कितनी है बी माइनस ए सो टेंशन कितनी हो गई लैमडा इंटू बी माइनस ए ओवर इतनी लेंथ इंक्रीज हुई जब ए से बी में गए और ये कितना है दिस इज़ बी दिस इज़ ए सो ये बी माइनस ए हो जाएगा सो so, टेंशन क्या आ गई लैमडा इंटू बी माइनस ए ओवर ए वेर लैमडा इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब हमने लिखी टेंशन एट सी सी पॉइंट तक कितनी टेंशन हुई तो आपने क्या देखना है सी पॉइंट तक कितनी एक्सटेंड हुई लेंथ तो ये आपका ओ सी क्या है ये पूरी लेंथ सी है ये लेंथ आपकी ए है आपको चाहिए ये इतनी एक्सटेंड हुई क्योंकि ओरिजिनल लेंथ के बाद जितनी भी लेंथ बड़ी है वो क्या होगी एक्सटेंशन हो गई सो ओ ए तो ओरिजिनल लेंथ थी ए सी आपकी एक्सटेंशन होगी तो टेंशन एट सी क्या हो गया लेमडा इंटू सी माइनस ए दिस इज सी दिस इज ए सी माइनस ए ओवर ए क्योंकि आपने लिखना है ये एक्सटेंशन कितनी हुई ये और ये कितना है सी में से अगर आप ए को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा सो आपने टेंशन लिख ली सी पर अब आपने बी से सी तक का वर्क डन निकालना था वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर फोर्स किस तरह के फोर्स की बात करते हैं हम रोप या स्ट्रिंग के केस में फोर्स को क्या कहते देते हैं टेंशन मींस बी से सी तक जाने के लिए आपने वर्क डन निकालना है तो वो वर्क डन किसके इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मीन्स टेंशन इंटू डिसप्लेसमेंट तो बी से सी का वर्कडाउन निकाल वर्क डन निकालने के लिए हमने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लिया पी क्यू ये आपकी बी से सी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक डन निकालना है तो एक पॉइंट हमने पी ले लिया और उसके एक नेबरिंग पॉइंट ले लिया क्यू और पी और क्यू का डिस्टेंस हमने ले लिया डेल्टा एक्स ये ले लिया हमने डेल्टा एक्स अब आपने निकालना तो वर्क डन बी से सी का था पर अभी हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट का निकाल स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लिया उस उधर से पी से क्यू तक जाने के लिए वर्क डन हम निकाल लेंगे फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन लिमिट्स बी टू सी तो हमारा क्या आ जाएगा बी तो से सी तक के लिए वर्क डन आ जाएगा सो वर्क डन के लिए फ़ोर्स चाहिए फोर्स मीन्स टेंशन टेंशन निकालेंगे पी पर पी पॉइंट पर टेंशन कितनी हो जाएगी हमने ये डिस्टेंस ले लिया ओ पी एक्स ये ओ पी एक्स ले लिया सो so पी तक एक्सटेंशन कितनी हो गई एक्सटेंशन ए पी हो गई जब आपने इस ए एंड को पी एंड तक स्ट्रेच किया तो ये लेंथ हमने ले ली पूरी एक्स ये तो ये तो ए है तो ये कितना हो गया ए पी एक्स माइनस ए तो पी पॉइंट तक एक्सटेंशन कितनी हो गई एक्स माइनस ए ये आपका ओ ए था इसको आप पी तक ले गए अब और ओ पी आपने ले लिया एक्स मीन्स ये पूरी लेंथ एक्स है ओ ए आपका ए था तो ए पी क्या हो जाती है एक्सटेंशन और वो कितनी है एक्स माइनस ए तो टेंशन एट पी कितना हो गया लैमडा इंटू एक्स माइनस ए ओवर ए वर्कडन क्या होता है फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट दिस इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई क्योंकि आप पी से क्यू तक का वर्क डन निकाल रहे हो पी से क्यू तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है डेल्टा एक्स सो दिस इज़ डेल्टा एक्स अब हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम बी टू सी वर्क डन अगें टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी इज दिस इसको इंटीग्रेट कर दिया इसी को ही आपने इंटीग्रेट कर दिया विद इन बी टू सी सो लेमडा बाई ए बाहर आ जाएगा एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन करेगी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई टू और लिमिट्स पुट कर दे कि अपर लिमिट सी पुट कर दी देन लोअर लिमिट पुट कर दी सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ से ये आपका ए से ए कैंसिल हो गया दिस इज सी माइनस ए दिस इज सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए C माइनस बी बाई टू को हमने बाहर रख दिया लैमडा बाई ए को इससे भी प्रोडक्ट कर दिया लैमडा बाई ए को इससे भी प्रोडक्ट कर दिया अब ये क्या आ गया टेंशन एट C और ये क्या आ गया टेंशन एट B। टेंशन एट C और टेंशन एट B आपने पहले ही निकाली है टेंशन एट B इज दिस टेंशन एट C इज़ दिस तो ये आ गया आपका टेंशन एट C, टेंशन एट B। और ये क्या आ गया आपका C माइनस बी सी माइनस बी क्या आ गया एक्सटेंशन B से C तक कितनी एक्सटेंशन हुई वो आ गया आपके पास इस तरह का था ये आपका ओ था ये बी पॉइंट था ये ए है फिर ये सी पॉइंट था आपके पास ओ था सी ओ था बी ये सी था ये बी था तो बी सी माइनस बी ये आ जाएगा बी से सी तक का डिस्टेंस दैट इज़ बी सी सो so आपने इसको लिख दिया बी सी इन टू टू डिवाइड बाई टू को इधर लिख दे यहाँ से हटा दे तो ये क्या हो गया मीन ऑफ टेंशन एट बी एंड सी हो गया इनका मीन आ गया टू को जब आप यहाँ ले आए सो so, वर्क डन किसके इक्वल आ गया बी सी इन टू मीन ऑफ टेंशन दैट इज़ वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन हो गई एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन ये आ गया इनिशियल और फाइनल टेंशन का मीन सो यही आपको शो करना था नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे थैंक यू